हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका एनसीईआरटी की जो सीरीज इस समय चल रही है पर्यावरण आसपास कक्षा 3 की, तो इसमें आपका लेसन 10 तक हो चुका है और ये आज थोड़ा मुझे जल्दी है, इसलिए आज मैं केवल एक ही चैप्टर यहाँ पर पढ़ा कर जाऊँगा। तो कंटिन्यूटी बरकरार रहे इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे ज़रूरी बहुत था, लेकिन सोच रहे हैं कि 10-15 मिनट लगेगा, हो सके बना कर जाऊँ यहाँ से, तो ताकि आप लोगों के लिए कोई दिक्कत ना हो और जल्दी जल्दी सीरीज समाप्त करके, मतलब 3 की 4 की 5 की, इसके बाद चलने के बाद फिर हम चलेंगे इतिहास, फिर साइंस। इस तरह से एक एक जो पर्यावरण के जो एनसीईआरटी जो किताब है हम उसको ख़त्म करेंगे धीरे धीरे करके। तो आराम से भी चलिए, अभी वैसे भी 7 जुलाई को आपका पेपर है, तो ठीक है, वो सब बातें बात की हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं टॉपिक पर। यहाँ पर आपके सामने है, देखिए लेसन 11 चैप्टर है क्लास 3 के पर्यावरण आसपास का, यहाँ से वहाँ, इस चैप्टर का नाम यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो आइए देखते हैं यहाँ से वहाँ इसमें क्या है। इसमें देखिए है पहले रेलगाड़ी, तो यहाँ पर देखिए एक कविता नुमा है, आप लोग इसको इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसमें। वैसे भी इसमें कुछ लिखा हुआ है नहीं, इसे अगर पढ़ना चाहे तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आओ बच्चे खेल दिखाएं, छू करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, यही सब चीज़ें हैं। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ है मैं केवल वहीं पर यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा, जैसे रेलगाड़ी छू 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 कैसे करके हुए, फिर उसके बाद तड़क भड़क लोहे की सड़क, यहाँ वहाँ से ये सब करके है, ये सब आप लोग देख ही रहे हैं। ये है कविता, हाँ ये देखिए, ये जो लिखा गया ये कविता किसने लिखा है, ये हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, यहाँ पीले कलर से हाईलाइट भी किया है, उसको आप देख लीजिए, हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ये थोड़ा याद रखिएगा बस, और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद देखिए अब नीचे यहाँ पर है, तो कैसी लगी है कविता। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, वैसे आपको पता होगा, इसमें आपको बताना ये है क्या तुम रेलगाड़ी में बैठे हो कब कब, तो ये आप बता सकते हैं। दूसरा है क्या रेलगाड़ी कहीं भी चल सकती है क्यों, ये भी आप बता सकते हैं। देखिए इस कविता में लोहे की सड़क किसको कहा गया, स्वाभाविक सी बात है ये आपको पता होगा कि इस कविता में लोहे की सड़क किसको कही गई है, वो कही गई है रेलगाड़ी की जो पटरी होती है उसको लोहे की सड़क कही गई है। इसके बाद है कविता में रेलगाड़ी कहाँ कहाँ से होकर गई है, ये आपको, ये आपकी जो सूची बनाने के लिए क्रियाकलाप की बात है, ये आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ, जैसे यहाँ पर मान लीजिए पुल पगड़ी टीले पे झंडी, फिर पानी कुंड से, फिर पक्षी का झुंड, फिर झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी बादल धुआं मोट कुआं, ऐसा फिर धोबी घाट मंगल की हाट गांव में मेला भीड़ झमेला, यहीं से यहाँ से होकर आपकी रेलगाड़ी जो गुजरी, ऐसे सूची बनानी है, तो वो सब महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ यहाँ पर ये देखिए, तुम किस किस वाहन बैठे हो उनके नाम अपनी कापी में लिखो, ये आप लिख सकते हैं, वैसे आपको पता होगा आप किस किस वाहन बैठे हैं। हाँ इसके बाद देखिए यहाँ पर है, आओ तुम्हें कुछ बच्चों से मिलवा और पता करो उन्होंने अपनी छुट्टियाँ कैसे बिताई, तो यहाँ पर थोड़ा मज़ेदार किस्सा देख लीजिए। ऐसे कोई कह रहा है कि मैं चाचा जी के पास दिल्ली गए रेलवे स्टेशन से उनके घर पहले, तो ये देखिए बस नहीं ली गई लेकिन बस का चित्र यहाँ पर छाप दी, इसलिए बस है, बस से जाते तो इस बार मज़ा आ जाएगा, तो यही सब चीज़ें हैं। फिर देखिए हम रेलगाड़ी में बैठकर जमीन नीचे सुरंग से होते हुए गए, सुरंग में जाते हुए एहसास नहीं हुआ कि ऊपर सर पर भाग रही होगी। फिर आगे देखिए यहाँ पर, फिर एक कह रहा है मेरी तो बुआ शादी थी, इतने सारे रिश्तेदार खूब मिले, खूब खाया पिया खेले, बड़े भैया भी अमेरिका से आए थे, किससे बैठ कर, हवाई जहाज बैठ कर आए थे, ये देखिए हवाई जहाज चित्र है, सोचो तो अजीब लगता है इतनी दूर से आए पर एक ही दिन पहुँच गए, दुल्हन बनी बुआ को जब डोली में ले जा रहे थे वह बहुत सुंदर लग रही थी। फिर देखिए यह है, मैं अपनी नानी घर केरल गई थी, केरल ये देख रहे हैं, केरल राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम, जानते रहिए, वे जहाँ रहती है आसपास पानी ही पानी, उनके घर जाने के लिए घूम कर जाते हैं, तो स्टेशन से बस या कार ले जाते हैं, पर हम सीधे कहाँ पर गए, ये देखिए चित्र दिया गया, नाव में बैठ गए, कुछ अजीब लगा पर अच्छा भी। अब देखिए यहाँ पर है, हम लोग छुट्टियों में शिमला घूमने गए, ऊँचे ऊँचे पहाड़ों पर टेढ़ो रास्ते से होकर बस चलती है, देखिए शिमला यहाँ पर आ गया है, शिमला ये किसकी राजधानी है, ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, तो राजधानी भी आप लोग जानते रहेंगे, ठीक ही रहेगा, एक ऊपर था केरल तिरुवनंतपुरम और ये शिमला, यानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला। तो बस चलती तब नीचे देखकर बहुत डर लगा, शिमला में हमें बहुत पैदल चलना पड़ा, मेरी दादी जल्दी थक जाती थी, हम उन्हें घोड़े पर बिठाए तो मैं तो मज़े से पैदल चलता था, थकता भी नहीं थे। ये ऊँचे ऊँचे पहाड़ कहने का मतलब ये है कि शिमला में ऊँचे ऊँचे पहाड़ देखने को मिलते हैं, तो इसलिए वहाँ पर खच्चर का भी कभी कभी खच्चर है घोड़े गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। और देखिए यहाँ पर है, एक बच्ची कह रही है मेरी खाला मेरे घर के पास ही रहती है, जब भी खाला के पास जाने का मन करता है मैं झट अपनी साइकिल उठाती हूँ और पहुँच जाती हूँ उनके पास, माँ और छोटू तो साइकिल पर बैठ कर नानी घर जाती हैं, साइकिल कहाँ, ये तो रिक्शा, रिक्शा पर बैठ कर नानी घर जाते हैं।
फिर देखिए इन छुट्टियों में अपने मामा जी गांव गए, तो उनके गांव में तो बहुत बस नहीं थी, हम लोग रेलवे स्टेशन से बैलगाड़ी, ये देखिए बैलगाड़ी है, दो चक्के वाला बैलगाड़ी। अच्छा ये बताइए कितने लोग बैलगाड़ी में सफ़र किए हैं, जरा जरा कमेंट में बताइएगा। मैं बैठकर लहलाते खेतों के बीच में होकर गांव तक गए, मुझे तो बैल गले में बधी घंटियों की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता अच्छा लगा। अब देखिए यहाँ थोड़ा दिया गया जानवरों की देखभाल था उनके प्रति जुड़ाव कक्षा में चर्चा करके बढ़ाएं, तो ये सब बच्चों के लिए है, अध्यापकों के लिए है। फिर देखिए बच्चों ने किन किन वाहनों के नाम लिखे, तो आप जो आपने ऊपर अभी लिखा देखा है उनको नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बस हो गया, रेलगाड़ी हो गया, हवाई जहाज़ हो गया, बैलगाड़ी हो गया, साइकिल हो गया, रिक्शा हो गया, कार हो गया, नाव हो गया, ये सब आप अभी ऊपर देखे हैं। फिर नीचे दिया गया नीचे लिखी जगहों पर अपने घर से कैसे जाना चाहोगे, वाहन का नाम यहाँ पर आपको डिब्बों में, ये जैसे मान लीजिए घर है, अब आप घर कैसे जाते हैं, जैसे स्कूल जाते हैं किससे जाते हैं, स्कूल आप बस से जाते होंगे, बहुत से लोग पैदल जाते हैं, बहुत से लोग साइकिल जाते हैं, फिर बाज़ार आप ज़्यादातर पैदल ही जाते होंगे, अगर दूर है तो हो सकता है साइकिल या मोटरसाइकिल जाते होंगे, अगर मित्र घर जाते हैं कैसे, ये सब आपके लिए है, कर लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं यात्रा में तुम खुद को कैसे सुरक्षित रखते हो। अब देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, बच्चों ने कई वाहनों को या तो वास्तव में या किताबों में फिल्म आदि में देखा होगा है, स्वाभाविक सी बात है देखा होगा, ये सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद उनके संदर्भ के अनुसार गतिविधि कराई जाए जिससे कि सफर दौरान वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाए, जैसे कि शहरी क्षेत्रों के बच्चों की सड़क सुरक्षा व आदि नियमों से परिचित कराया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम जैसे बच्चे हैं, बच्चे होते हैं कोरे कागज तरह होते हैं, तो उन्हें हम जैसे वाहनों के बारे में इसके इस लेसन का अगर हम उन्हें पढ़ा रहे हैं तो हमको वाहनों के बारे में उन्हें बताएं, हाँ कौन सा वाहन कैसे चलते हैं, कितनी दूर तय करते हैं, कौन कितना तेज चलता है। इसके अलावा जो सड़क सुरक्षा योजना होता है उसके बारे में हमें उनके उनको अवेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, जैसे खासकर शहरी क्षेत्रों में होता है बच्चे जो होते हैं यातायात के नियमों से काफ़ी कुछ ज़्यादातर खासकर ग्रामीण इलाकों के बच्चों की अपेक्षा वो काफ़ी ज़्यादा परिचित रहते हैं, तो इस बारे में हम बच्चों को बता सकते हैं, ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है उनको देनी, क्योंकि आगे चलकर कहीं ना कहीं वो हमारे भविष्य हैं, हमारे मतलब हमारे देश के भविष्य हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं, कुछ वाहनों के चित्र बने यहाँ पर देख रहे हैं, चित्र के सामने उनके नाम था, वे किस काम में आते हैं, लिखो खाली जगह में ये सब है, तो वाहनों का नाम यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे ये कौन सा वाहन है आप बता सकते हैं, ये देखिए ठेला है, क्या है ये, तो ठेला है, पता होगा ये ठेला ये है। ठीक, इसके बाद देखिए ये है, ये एम्बुलेंस टाइप का लग रहा है, ये देखिए ई रिक्शा का, ये ट्राई साइकिल है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ट्राई साइकिल में कितने पहिए होते हैं ये आप बताइए, ये यूपीटेट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सर्च करेंगे बड़ा ही मज़ेदार आंसर आपको मिलेगा, तो बता दीजिए, उसके बाद मैं अगले वीडियो में हो सकता है मैं इसको बता दूँ, वैसे ठीक है यहाँ पर बता ही दे रहा हूँ, यहाँ पर 27 होते हैं। ठीक, क्योंकि एक एक पहिए में 9 तिलियां होती हैं। ठीक, आगे चलते हैं, हाँ क्वेश्चन यह था कि एक ट्राई साइकिल कितनी तिलियां होती है, तो 27 तिलियां होती है। ये देखिए ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से काम क्या होता है तो पता है, फिर देखिए वाहन में यहाँ पर देखिए ये डबल तल्ला की गाड़ी है जो खासकर बॉम्बे में महानगर में ज़्यादातर चलती है। इसके बाद ये देखिए एम्बुलेंस मरीजों को ढोने का काम करता है, एम्बुलेंस नंबर 108 है, आप इसे फ़ोन करके आपातकालीन सेवा बुला सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद नीचे देखिए चित्र में कुछ वाहनों के नाम लिखे गए, तुम्हें हर वाहन को एक तरफ उनके पहियों की संख्या में जोड़ना है, दूसरी तरफ उसी वाहन को जिसे चलते हैं उससे जोड़ना है, तो ये आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपको करना है। देखिए यहाँ पर पहियों के यहाँ दिया गया है, बस रेलगाड़ी ठेला स्कूटर रिक्शा मेट्रो रेल रेलगाड़ी नाव ट्रक साइकिल मोटरसाइकिल, ये सब कितने पहियों के होते हैं और कैसे कैसे चलते हैं, तो ये सब आपको इन सब से जोड़ना है, तो ये आप लोग जोड़ लीजिएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर कुछ मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया चार पहिए देखिए कहाँ पर है, चार पहिए है, ये देखिए यहाँ पर चार पहिया है, चार पहिया में कौन कौन आ सकते हैं, चार पहिया में देखिए एक होता है ठेला हो गया आपका, ये चार पहिया होता है, बस भी होता है चार पहिया, कहीं कहीं चार पहिया ज़्यादा भी होते हैं, इसके अलावा ट्रक भी होता है, चार से ज़्यादा होते हैं, और नाम में कोई पहिया ही नहीं होता। इसके बाद साइकिल जो होता है वो कितने पहिए को होता है, वो दो पहिए को होता है, इस तरह से आप जोड़ा बना सकते हैं, तो ये देख लीजिएगा। और इसके बाद अब देखिए यहाँ पर कुछ और क्रियाकलापें हैं, बड़ों से पूछकर पता लगा आज से 50 साल पहले लोग कैसे आते जाते, तब भी क्या तब भी यही सब साधन थे, ये आप अपने बड़ों से पूछकर बता सकते हैं, वैसे आपको पता ही है क्या आज से 50 साल पहले इतने साधन रहे होंगे।
फिर देखिए, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो 20 साल बाद लोग आने जाने के लिए किस की तरह के वाहन प्रयोग करेंगे? अपने घर के लोगों दोस्तों पूछकर दीजिए तालिका भरो। तो 50 साल आप बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आगे आने वाले 20 साल 30 साल बात किया जाए, तो जिस तरह से हम मनुष्य पेट्रोल का और डीजल का जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसका नुकसान हमारी आने वाली पीढ़ी को होगा। और इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर कहीं नज़दीक भी जा रहे हैं, या बहुत से लोग मैंने देखा है वो अगर बाज़ार में जाते हैं तो गाड़ी उठाकर चले जाते हैं, तो ज़्यादातर कोशिश करिए, खासकर 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या मान लीजिए आधा किलोमीटर या 100 मीटर 500 मीटर अगर आप जा रहे हैं, तो ज़्यादातर कोशिश करिए साइकिल जाने की, या हो सके तो पैदल को चलने को ही ज़्यादा करिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आने वाला समय कहीं ना कहीं बहुत ही भयावह हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से हम पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं, इसके अलावा डीजल पेट्रोल कोयला इन सब का इतना तेज़ी से दोहन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियाँ हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। तो ये सब जो अवेयरनेस की चीज़ें हैं, ये सब आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, खासकर तब जबकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो ये समझिए कि आप उस लेवल के व्यक्ति बन चुके हैं कि जो कहीं ना कहीं अच्छा क्या है बुरा क्या है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से आपके सबको लिए सजेशन। तो ये सब क्रियाकलापें, ये सब जान लीजिए, ये सब देख लीजिएगा, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, यहाँ पर देखिए, बड़ों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को कहाँ वाहनों में आए बदलाव समझने में सहायता करेगी। किताबों में बुजुर्गों, नाना नानी, दादा दादी से इसलिए बार बार पूछने को कहा गया है ताकि उस समय के और अभी के बीच के अंतर को बच्चे पहचान सके। तो कहने का मतलब यही है कि जो अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है, नाना नानी दादा दादी के बारे में बताया गया था, तो बच्चों को क्लास व्लास में अगर हो तो इनके बारे में ज़्यादा चर्चा करें, ताकि बच्चे घर पर जाकर अपने नाना नानी दादा दादी बात कर सके। अब पहले के समय में और अब के समय में कितना अंतर है, बच्चों इसको अच्छी से पहचान सके, ये कहीं ना कहीं पेडोगॉजी क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए, तुम्हारी अपनी रेलगाड़ी, इसको दिए गए चित्र की मदद से लेकर माचिस से रेलगाड़ी बनाओ। ये देखिए, माचिस से रेलगाड़ी बनाए, कितना इंटरेस्टिंग बनाया गया है। ये एनसीईआरटी पढ़ने की एक अलग ही अपना मज़ा होता है। तो अगर कोई देखे, फिर देखे, अगर कोई छुक छुक की आवाज़ करे, तुम झटपट पहचान जाते हो कि रेलगाड़ी के लिए कह रहे हैं, क्या तुम रेलगाड़ी वाहन पहचान सकते, लिखो। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करना है। छुक छुक ये रेलगाड़ी करती है, पी 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 ये कौन का टप टप, ट्रेन ट्रेन ये साइकिल की आवाज़, घर घर या पों पों ये सब है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। वैसे इतना तो आप लोग जानकार है ही कि किस किस की ये वो है सिटी है, आवाज़ है किस किस वाहनों की। तो यह तो थी एक वाहन की आवाज़, जब सड़क पर एक साथ कई वाहन आवाज़ करते चलते तो कैसा लगता है, मचता है ना कितना शोर। ये तो पता ही होगा, शोर ध्वनि प्रदूषण कितना ज़्यादा होता है। तुमने सबसे ज़्यादा शोर कहाँ सुना है? तो मैंने सड़कों पर सुना है, आप लोगों ने कहाँ सुना है बता सकते हैं? क्या तुम्हें इतना शोर अच्छा लगता है? क्यों, मुझे तो इतना शोर अच्छा नहीं लगता, इसके बारे में क्या बताऊँ, क्योंकि अब क्या कहें। इसके बाद देखिए, फिर देखिए, रेलगाड़ी के मॉडल बनाने के लिए माचिस के अलावा टीन के डिब्बे भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, और पहिए बोतल ढक्कन या बटन से भी बनाए जा सकते हैं। ये तो रेलगाड़ी को, और देखिए ये इन चित्रों को देखकर चित्र में तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखिए इस चित्र को ध्यान से निहार लीजिए। देखिए इनको क्या, जैसे ये एम्बुलेंस हो गया, ये पुलिस गाड़ी हो गई, देखिए फायर ब्रिगेड, जो आग कहीं पर जलता है फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया जाता है। ये देखिए बिल्डिंग में आग लग गई है, और ये व्यक्ति ऊपर चढ़कर वो पानी की फवारों मारकर इस आग को बुझाने का प्रयास कर रहा है। तो यही सब चीज़ें हमें इसको यहाँ पर इस चित्र में दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखिए, तुम्हें कौन कौन से वाहन दिखाई दे रहे, एक एम्बुलेंस मैंने बता दी, पुलिस गाड़ी है, उसके बाद एक फायर ब्रिगेड गाड़ी है। ये वाहन क्या क्या काम करते हैं ये भी पता है, एम्बुलेंस मरीजों को ले जाता है, पुलिस जब कहीं कोई घटना घटती है तो पुलिस वहाँ पर तुरंत पहुँचती है, इसके बाद फायर ब्रिगेड क्या करती है, वो आग बुझाने का काम करती है। तो इसके बाद देखिए, चित्र की मदद से आपातकालीन स्थिति पर चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। फिर देखो, ऊपर के खानों को देखकर नीचे उन्हें क्रम से बनाओ और रंग भरो, देखो क्या बनता है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको मतलब इसको खूब ध्यान से देखने के बाद इसी प्रकार क्रम से नीचे आप चीज़ बनाइए। वैसे ये आपको पता लगा लेंगे, जैसे ये देखिए, ये कान कितना बड़ा है, ये पैर कितना बड़ा है, ये आँख देख ही रहे, ये पूँछ, ये लेग कितना मोटा, आप समझ गए होंगे ये किस जानवर का चित्र है। ये हमारे एलिफेंट यानी हाथी का चित्र है। हाँ, तो ये अगला चैप्टर आपका यहाँ पर है, काम अपने अपने लेसन 12, तो इसके लिए हम मिलेंगे कल। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही,
और जितना ज़्यादा हो सकते। और हाँ, खूब अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए बहुत से मैंने अभी हमारा पहला वीडियो अभी अपलोड हुआ है हमारे चैनल पर। तो मैं कल कुछ लोग कमेंट पढ़ रहा था, कुछ लोगों ने कहा कि सर फैक्चुअल बातें ही बताएं। देखिए इसमें क्या है, देखिए मैं एक तरह से मैं आपके सामने पूरी पूरी किताब ही बता रहा हूँ, किताब को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितने अच्छे से हैंडल कर पढ़ सकते हैं। और रही बात देखिए नोट्स बनाने की या नोट्स लिखने की, इसमें जो आपको महत्वपूर्ण लगता है तो मैं आपको वहाँ पर बता भी दे रहा हूँ। और इसके अलावा जो है कि जो परीक्षा में जो पूछी गई चीज़ें हैं वो मैंने हेडलाइन कर दिया, जैसे पीले पीले कलर से इसको बना दिया है कि जो जिसे जिसकी पूछने की संभावना ज़्यादा है तो आप उसको हो सके तो उसको लिख सकते हैं। तो और जो मैं अलग से बताता हूँ उसको भी आप वहाँ पर मतलब अपने नोट अपने कापी में लिख सकते हैं। खासकर जब आप इस वीडियो को देखें तो एक A4 साइज की जो होती है वो कापी होती है, आप उस पर ये सब लिख सकते हैं। जैसे लोहे की सड़क से क्या तात्पर्य होता है, लोहे की सड़क कहाँ पाया जाता है, ये सब चीज़ें हैं। और हरिनाथ चट्टोपाध्याय ये रह दीजिए, महत्वपूर्ण नहीं है, इसको जाने दीजिए। तो कहने मतलब ये है कि और रही बात जो फैक्चुअल, बहुत से लोग कह रहे थे फैक्चुअल पढ़ अब बताइए हम इसमें, देखिए इसको आप एक बार अगर आप पढ़ लेंगे खूब अच्छे से, इस वीडियो को देख लेंगे ना, मैं गारंटी देता हूँ सीटेट में जो पर्यावरण का अध्याय है यहाँ से आपका जो 30 क्वेश्चन आता 30 में से आपका 25 प्लस ना हो जाए फिर आप कहिएगा। क्योंकि देखिए मैं कईयों बार, मैं 2 से 3 बार सीटेट एग्जाम में मैं बैठ सकता, मुझे अनुभव हो चुका है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इन्हीं पर्यावरण किताबों से पूछे जाते हैं, और पैडागॉजी जो क्वेश्चन होता है वो भी अलग नहीं पूछे जाते, वो भी आपके इन्हीं किताबों से मिलते हैं। जैसे यहाँ पर ये चीज़ें होंगी, पैडागॉजी क्वेश्चन आपका यहाँ से निकल कर आता है। जैसे बच्चों ने कई वाहनों को देखा, वास्तव किताबों फिल्मों देखता होगा, तो ये सब पैडागॉजी क्वेश्चन है कि बच्चे अपने नाना नानी दादा दादी से पूछते हैं तो उन्हें कैसा अनुभव होता है। ये सब पैडागॉजी क्वेश्चन देखिए यहीं से बनकर आता है, तो कहीं कुछ अलग से नहीं आता। तो इसलिए मैं सजेशन आपके आप लोग बस इतना दूंगा कि फालतू कमेंट पर ध्यान ना दे, अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें। वैसे भी अभी परीक्षा होने में 2-3 महीने हैं, अभी 7 जुलाई को पेपर है, और कोशिश करिए अच्छे से पढ़िए, अच्छा नंबर लाइए, और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। और रही बात, और देखिए आप इसके लिए परेशान मत होइए, आपका अभी ये पर्यावरण चल रहा है, जैसे ही ये 3, 4, 5 ये पर्यावरण की सीरीज ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं जूनियर टेट में आऊँगा, जूनियर सीटेट में, और उसमें मैं आपका इतिहास और संविधान का जो 6 से 12 चैप्टर, उसको एक एक किताब मैं एनसीईआरटी की जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बस आपको केवल करना क्या है, आपको केवल इसको खूब अच्छे से ध्यान से देखना है, और जो अच्छा लगे उसको आप वहाँ पर कॉपी पे लिख सकते हैं, बस उसी को पढ़ कर जाइए, फिर देखिए क्या मज़ा आता है पढ़ने का। और देखिए पढ़ाई कभी कभी ये मैं सोचे कि नहीं बोझिल है ये सब चीज़ें, देखिए कुछ कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं तो ये जब भी आप अगला वीडियो देखते हैं तो आप ये सोचिए कि हाँ आज हम कुछ नया देखेंगे, ये सोचने का प्रयास, तब हो सकता है कि पढ़ाई देखे कभी बोझिल मन से कभी नहीं की जाती, वो हमेशा एक अच्छे स्वस्थ दिमाग की जाती है और मनोरंजन के तरीके से की जाती है कि अरे वाह आज मैं कुछ हमें नया सीखने को मिलेगा। तो ये सब वैसे भी ये सब चीज़ें बच्चों वाली चीज़ें हैं, लेकिन कहने की केवल बच्चे वाली चीज़ें हैं, क्वेश्चन जब यहाँ से आते हैं ना अच्छे अच्छे चकरा जाते हैं। और रही बात कुछ लोग कह रहे थे कि हाँ सर इसमें जो है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस तरह पूछे जाते हैं उसके लिए आप परेशान मत होते, जब ये पूरा हो जाएगा मैं 4 से 5 सालों का जो पर्यावरण जो सीटें जो क्वेश्चन पूछा गया है मैं उसको पूरा पूरा जो प्रश्न आंसर है उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए आप परेशान मत हो, बस आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, और बस यही कहना था। इसके बाद आज लेसन 11 आपका हो गया, फिर कल चलेगा आपका लेसन 12, लेसन 13 जो भी है इसके बाद चलेगा, 24 चैप्टर इसमें है। तो बस आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, कहने का मतलब ये है। तो ठीक है आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आए तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं, और अगर पसंद आए तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए हम आपसे कोई भी शुल्क नहीं ले रहे हैं, बस आपको करना क्या है। और हाँ रही बात हमसे जुड़ने की, तो आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके आप केवल बिना स्पेस दिए दुर्गेश सर लिखिए, आप उस पर जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम से जुड़ने का मतलब फ़ायदा ये रहेगा, अगर ये इसका जो नोटिफिकेशन है ये कभी कभी यूट्यूब पे बड़ा लेट पहुंचता है, तो अगर आप टेलीग्राम जुड़े रहेंगे यूट्यूब से पहले टेलीग्राम पहुँच जाता है तो वहाँ पर आप जाकर इसको देख सकते हैं।
तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के लिए एक नए वीडियो के साथ, जो रहेगा काम अपने अपने यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो एक नए अध्याय के साथ और नए जोश उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय।